प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने है? खिलाड़ी बनने है। यदि आपसे प्यारे बच्चों मैथ में जोड़ घटा गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है, तो मैथ के 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स में आपको इस सीरीज के अंतर्गत सोल्व करा रहा हूँ। ये हमारी मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे चैप्टर नंबर 7% पार्ट 3 है। ये क्वेश्चन सभी रेलवे के एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। यदि आपका आगामी एग्जाम एनटीपीसी, लोको पायलट, रेलवे, कोई सभी एग्जाम हो, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत मेरा प्रयास ये रहेगा मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। 50 लड़कियां तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना है। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है, कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर देने सीखने हैं। एक साइड लड़कियां बोले तो बी लिख देते हैं, एक साइड मतलब गर्ल्स मतलब जी, गर्ल्स का मतलब क्या लिखेंगे बच्चों? जी, बॉय का मतलब बी। ओके है, जैसे जैसे कहता लिखते चलेंगे। पर लड़कियां कितनी थी? 50, लड़के कितने? 70। आगे बढ़े, जोड़ घटा गुना भाग है बस। लड़कियों का केवल 40%, 50 का 40%, 5 20, डायरेक्ट 20 लिखेंगे। सर 20 कैसे आया है? जब 50 का मतलब गुना 40/100 करेंगे तो कितना आता है? 20 आता है। डायरेक्ट गुना करना सीखो, ठीक है जी। 70 का 50% कितना होता है? 35। चलो जी, 70 में से 35, 50 में से 20। पिकनिक पर गए, चलो जी गए पिकनिक पर गए, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं बच्चों? 35 20 कितने होते हैं बच्चों? 55 कुल गए हैं, 55 गए हैं टोटल, 7 5 12, 120 में से 55/120 गुना 100, 0 से 0, फिर ये आपका 2 से कट जाएगा 6 बार, ये 2 से 5 बार, ठीक है। 55 5 कितने होते हैं बच्चों आपके? 55 5 55 25, 55 25, 275, 275/6, जब 275 को 6 से काटेंगे, 6 6 4 24, बचे कितने? 3, 6 6 36, 6 5 6 4 24, देखो बचे कितने? 30 में 35, 6 5 30, 45.8 आपका राइट आंसर होगा, लगभग 46%, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेन चेंज करते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करा रहा हूँ बच्चों सीरीज के अंतर्गत। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। प्रत्येक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन है, 25 25 25, 75 क्वेश्चन है जी एक चैप्टर में। अच्छे से सीरीज को कंप्लीट कर लेना, गारंटी ले रहा हूँ एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट में 90% क्वेश्चन मिलेंगे। लोको पायलट में बैठ लेना, जेई में बैठ लेना, ठीक है जी, टेक्नीशियन के एग्जाम में देख लेना, या आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई में देख लेना, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी। यूनिक मेथड से सोल्व करा रहा हूं मैं आपको। एक बल्लेबाज 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके, 3 तो चौके हैं जी, 3 चौक 12 12 रन, तो उसके चौकों के हिसाब से 8 छक्के, 8 × 6 8 6 48 छक्कों के हिसाब से उसने कुल स्कोर कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाया? 8 2 10 की 9 से लगाए 4 1 5 1 6 60 रन बनाए जी 110 में से चौके छक्कों से। दौड़ा कितना जी? घटा देते 50 50 दौड़ा है, 50 जो दौड़ा है वो कितने में? 110 में गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ आपका? 500/11 500/11, जब इसको भाग करेंगे 500/11 को कितना जाएगा? 45 से 5/11 45 से 5/11, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बच्चों बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं, यदि आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर ना टीसीएस कंपनी के पिछले 5-7 सालों में पूछे गए क्वेश्चन होगा ना, मैंने आपको 20 से 30 से 40 सेकंड में कवर कराया है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है मैथ की, एक बार उनको जाकर देखिएगा, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेंगे सभी। यदि आपकी मैथ की तैयारी है ना बेहतरीन है, तब देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ के क्वेश्चनों को लगभग 10 से लेकर 30 सेकंड तक आप समय बचाओगे एग्जाम में सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3, राम के 105 रुपए के स्टॉक पर 4% की दर से 6300 रुपए लगाए, उसकी प्रतिवर्ष आमदनी क्या होगी? देखो अच्छे बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 105 रुपए के स्टॉक पर 4 की दर से 6300 रुपए लगाए, बच्चों 6300 रुपए लगा रहा है, 6300 लगा रहा, 104% का लाभ बोले तो 104/104 डायरेक्ट काटो ना, कितना आया जी? जब आप डायरेक्ट लगाना सीखो, थोड़ा लैंग्वेज तो देखो ना क्या कह रहा है, क्यों हम इसमें गुना भाग ज्यादा करें? हम तो स्मार्ट अप्रोच का अपनाएंगे बच्चों। जब 63 से वो आप भाग करोगे 104 से, कितना जाएगा आपका? लगभग 60 आएगा, ये कितना आएगा जी? लगभग 60, 60 की गुना 4 में कर देना, 6 4 24 240, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, रवि, एक लड़का रवि है, शॉर्ट में लिखना सीखें,
एक रवि है, एक आपका अजय को ए से लिखेंगे, चलो अजय दो ही है ना, एक मदन भी है। रवि ने अजय से 50 रुपये अधिक धनराशि कमाई, रवि ने अजय से 50 रुपये अधिक धनराशि कमाई। मान लिया अजय ने 100 कमाए तो रवि ने कितने कमाए, 150। आगे बढ़े, तीसरी कंडीशन फुलफिल कर लो, आंसर वही कमाई निकल जाएगा आपका। अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई, अब थोड़ी गड़बड़ होगी, अजय ने 30% कम लगाई, इसका मतलब पहले मदन को मानेंगे हम 100, जब मदन 100 हुआ तो 30% कम अजय हुआ 70, जब अजय 70 हुआ तो 70 का 50, 7 5 35, 105 रवि की वैल्यू निकल गई। पॉइंट में नहीं जाना हमें, 170 का 50% अधिक 105 रवि की वैल्यू निकल गई। अब पूछा क्या है बता दो बस, रवि ने मदन से कितने रुपए प्रतिशत अधिक लगाए, ये 105 और ये 100 कितने अधिक है जी, 5 अधिक है, इसे कंजप्शन मेथड बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति किलो प्रति 100 किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है, 10% खराब हो जाते हैं, चलो 90 बचे, अपने व्यय को 20% अधिक पाने के लिए उस व्यक्ति को शेष चावल किस मूल्य पर बेचना होगा। बच्चों 150 रुपये प्रति खरीदे, 20 का फायदा चाहिए, गुना 20 बटे कितना जाएगा 100, 0000, 15 × 30, इसका मतलब 180 रुपये किलो बेच देगा, तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का फायदा होगा, 180 रुपये किलो बेचने होंगे जी। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि जूते की लागत प्लेट फ्लोटर, देखो जी मान लीजिए एक आपका शूज है एक आपका फ्लोटर है, मान लीजिए जूते की लागत फ्लोटर से 20% अधिक है, अगर फ्लोटर आपका 100 है तो जूते होंगे शूज होंगे हमारे 120। आगे चले, इसने फिर क्या किया, फ्लोटर की लागत चप्पल, अब आपकी एक चप्पल आ गई है, फ्लोटर की लागत चप्पल की तुलना में 10% अधिक है, तो चप्पल को मैं 100 मानूंगा, फ्लोटर को मैं 10% अधिक 110 मान लेंगे हम। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारी चप्पल 100 हुई, चप्पल हमारी क्या हुई बच्चों, 100 हुई, एक मिनट रुको थोड़ा ऐसे हम वो कर देंगे ना, एक मिनट रुको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जूते शूज, ये फ्लोटर, ये आपकी चप्पल, ये 100, ये 10 अधिक है तो 110 होगी, फ्लोटर 110 के जूते की लागत प्लेट फ्लोटर से 11 का 20, 110 का 20 11 दूनी 22, ये कितनी हो जाएगी 132। अब क्या कहा है इसने, हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, जूते की कीमत क्या है यदि इन तीनों इन सभी को 3420 रुपये में खरीदा गया। बच्चों ये 3420 का जो रेशो दे रहा ना यो, क्या दिया इसने, 3420 को आपको क्या करना है, भाग कर दो, ये क्या 132 को ऐड कीजिए, 110 को ऐड कीजिए और फिर आप 100 को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका कुल मिलाकर, देखो क्या करना आपको, 3420 में इन सभी को 3420 में खरीदा, 3420 बटे क्या करोगे आप, 132 प्लस 110 प्लस 100, जब प्लस 100 करोगे आप 342 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 342, कितनी बार कट रहा है ये 10 बार, अब पूछा गया उसकी गुना कर देना 10 में जो भी पूछा है। जूते की कीमत, जूते कितने थे सूज हमारे, 132 गुना 10 1320 रुपये, राइट आंसर। यदि पूछता फ्लोटर 110 गुना 10, चप्पल पूछता 100 गुना 10। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं, चलो जी सिक्के का 20% 5 रुपये, सिक्कों का 20% 5 रुपये है, 25% 10 रुपये, 15% 2 रुपये और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, सिक्कों की संख्या आपकी क्या होगी। चलो जी देख, जैसे बच्चों एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसे आप सोल्व करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका प्यारा सा मैसेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनिल फ्रेंच में 120 में से 78, चलो जी अनिल को 78 रुपये नंबर मिले 120 में से, ये कहे थे हमारा फ्रेंच में। आगे बढ़े, इसके बाद अंक, अंग्रेजी में 130 में से 94, 94 बटे 130 प्लस करते जाना, ठीक है। इसके बाद स्पेनिश भाषा में 70 में से 32, 32 नंबर मिले 70 में से प्लस, जापानी में 80 में से 36, 36 किस में से 80 में से, चलो अंक प्राप्त करता है उसके द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशत। बच्चों 78, 94, 32, 36 को जब आप ऐड करोगे ये कितने हो जाएगा आपके टोटल, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 12, 8, 20, 0, 80 लगे 2, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 17, 17, 7, 25,
उनको दोबारा देखते हैं, 6 7 8 8 4 12 12 12 8 20 की जो लेके 2 3 2 5 5 3 8 8 9 8 17 17 7 17 7 होते 24 240 बटे 8 7 15 15 15 30 40 400 240 नंबर मिले बच्चों 400 में से, इसका मतलब क्या है 6 4 24 60%, 60 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन यही है बच्चों, 63 मिले थे जी, एक साइड में लिख देते फिर ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी, 63 मिले 80 में से, 86 मिले 100 में से, स्पेनिश में मिले हैं 56, 56 मिले कितने में थे 70 में से, 50 में से 41, 50 में से 41। चलो जब इनको सभी को ऐड करोगे आप कितने हो जाएंगे आपके, 6 6 12 12 3 6 6 12 12 3 15 15 1 16 6 16 6 6 7 8 7 15 5 20 4 24 246, ये कितने हुए 10 8 18 18 और 7 25 5 30 300 30% 3 नंबर 1 है 3 8 24 3 2 6 3 8 24 3 2 6 1% का मान 3 है जब 100 का 300 है, ऐसी आपको कैलकुलेशन करनी है। इस टाइप की कैलकुलेशन या सुपर फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन कैलकुलेशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आप भी डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे। 82 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10, एक बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाते हैं, उसने 20 चौके, पेन गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों मेरे तो, 20 गुना 4 20 चौक 80, 5 छक्के 20 तो चौके थे, 5 गुना 6 5 6 30 8 3 11 110 रन बनाए इसने चौके छक्के से, 150 थे टोटल, तो 40 रन इसने दौड़ कर लिए बच्चों, कितने रन बनाए इसने दौड़कर, 40 रन दौड़कर बनाए, कितने में से 150 में थे गुना 100, ठीक है जब इसे सोल्व करेंगे कितना जाएगा जब 26.6 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11, ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर वाइज है सबसे बड़ी बात, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और ट्रिक अप्रोच के साथ, एक कार का मूल्य का ह्रास होता है 10% वार्षिक। चलो जी 10% ह्रास का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 बटे 100 10 बटे 100 10 एकम 10 10 100 10 में से एक गया कितने बचन में माइनस होते हैं जब ह्रास होते हैं, लाभ होता जोड़ देता मैं, 10 से एक घटा कर 9, 10 से फिर आपका एक घटा कर 9, 10 से फिर एक घटा कर 9, 10 से फिर एक घटा कर 9, कितनी बार ये इतनी बार करेंगे जितने साल की बात है, 4 साल की बात हुई है, अब गुना करें 10 10 100 10 1000 10 10 1000। चलो आगे 9 9 81 9 9 81 81 81 कितनी गुना कितनी होती है 6561, या तो आपको पहली वैल्यू देगा या बाद की वैल्यू देगा एग्जामिनर या इनका डिफरेंस देगा, अब देखो क्या कहे, 4 वर्ष बाद में मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई, अच्छा जी प्रतिशत की गिरावट डायरेक्ट पूछ ले बच्चों, अब ये बताइएगा 10,000 में और 6561 में अंतर है 3439 अपॉन कितने पर 10,000 पर, 10,000 गुना 100, जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे यहां से आपका आंसर निकलेगा 34.39, बहुत आसान मेथड है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, ए का वेतन 20 से 50% अधिक है, ए का वेतन 20 से 50% ए लिखेंगे बी लिखेंगे, ए का वेतन 20 से, बी का 100 हुआ तो ए का 150 हुआ, आगे पूछे देखिए क्या कहता है दिखे, तो बी का एक वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बी का वेतन कितना कम है 50, 50 ही तो कम है किससे, ए से, किससे बच्चों 50 कम है किससे 150 से गुना 100, 50 से कम 50 50 150, 1/3, 1/3 क्या होता है 33 से 1/3, जो स्टूडेंट मेरे से मैथ की क्लास स्टार्टिंग से कर रहे हैं उन्हें सभी कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो चुके होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊं मैं, कंजप्शन मेथड, एक्स की वैल्यू नहीं पुट करने के, हम इक्वेशन नहीं बनाने की, एक लड़का आपका रवि है देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है आपका बोल, एक लड़का रवि है जी, चलो कौन है जी, एक रवि है आपका, एक आपका मोहन है, एक और आपका कांता है, कहाँ का क्या गया है देखो, रवि मोहन और कांता, चलो जी रवि का 5% आई, इसकी 5% आई जो है, चलो आगे बढ़े
मोहन की 15% के बराबर है, आगे बढ़े और मोहन की 10% आए, इसकी जो 10 आएगी 10% आए कांता के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। बस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, बस थोड़ा माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा, आए के बराबर है। अगर कांता की आए 2000 है भाई, 20% वाली बात हो रही है, ये कह रहा है 2000 है जी, इसकी कितनी है जी 2000 है कुल, कुल बोले तो 100% बराबर है कितनी 2000। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे को जिससे कि आपके माइंड में डायरेक्ट सेट होता जाए। चलो जी 100% का मान मुझे 2000 दिया है, तो 20% का मान 1/5 कितना होगा 400, तो 20% कितना होगा 400। जो ये 20% कांता के 400 है ना, ये मोहन के 10% के बराबर है। जब मोहन के 10% बराबर 400 है, मोहन के 10% बराबर 400 है, तो मोहन के 100% बराबर कितने आ जाएंगे, तो मोहन के 100% आ जाएंगे, 100% बराबर कितना आ जाएंगे 4000। बात क्लियर है, मोहन के 100% 4000 है, कांता के 100% 2000 है। चलो जी अब दूसरी कंडीशन फिर पेन चेंज करूँगा मैं, क्योंकि माइंड में सेट करना है जी आपके। चलो जी इसके 5% बराबर 15 थे, 5% बराबर 15 मतलब 3 गुना, जब इसके 4 है तो मोहन रवि 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रवि की कितनी हो जाएगी आए 12000, कितनी हो जाएगी 12000। चलो जी पूछा क्या है, अब तीनों की कुल आए 12, 4, 16, 17, 18 रुपये, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, मैं ये नहीं बताने का बढ़ रही कैसे लिखेंगे, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 से 21, 20 से कितना हुआ बच्चों 20 से 21, कोई दिक्कत, चलो 20 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 8000, देखो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, 21 की गुना करेंगे 92 से 61। चलो अब ये देखो या तो पुरानी वैल्यू देगा या बाद की वैल्यू देगा या डिफरेंस देगा, हमेशा वही लॉजिक लगता है हमारा। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, मतलब 92 से 61 बराबर की वैल्यू है, 92 से 61 की वैल्यू है, तो 92 से 61 का कितना मल्टीप्लाई है जी 20 गुना है, तो 20 की गुना इधर कर दो, प्रारंभिक जनसंख्या निकल जाएगी 8×2=16, 1,60,000। बताओ इससे आसान हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता सर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जी, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, कितना ऐड हुआ जी इसमें 4,500 बढ़े कितने पर 18,000 गुणा 100, अच्छा एक बार बताओ 45 का गुणा 90 का डबल 180 कितना गुना है, 4 बार कट रहे हैं, 400 कितनी बार कटेगा 25, यही तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये रट्टा पेगेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना भाग कर लो बस, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 चलो जी देखते क्या कह रहे हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 थी, यदि पुरुषों की जनसंख्या के 5% और महिलाओं की संख्या के 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 जाती है। बच्चों यहाँ पर 10,800 है, यहाँ पर 10,000 है, कितने बढ़े 800 बढ़े, पहले कुल इंक्रीमेंट निकाल लूँगा ना, 800 बढ़े कितने पर 10,000 पर, 8/10,000 गुना 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 8% की इंक्रीमेंट है, एलिगेशन लगाओ डायरेक्ट। देखो 8% मेल फीमेल, मेल कितना दिया था 5%, फीमेल बढ़ रही थी 10% और मिक्स बढ़ रही 8%, एलिगेशन से डायरेक्ट आंसर छोड़ो ना, या आपका 2 हुआ या आपका कितना हुआ 3 हुआ, दोनों का 3 आ गई इनकी जनसंख्या। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या 3, 2, 5, 5 रेशो बराबर हमारा कुल कितना था 10,000, 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 2000, 1 रेशो का मान 2000 है, पूछा क्या 2000 की गुना कर देना जो भी पूछा, महिला 3 है, 3×2000 6000 आपका राइट आंसर। यदि आपको ये मेथड समझ में आ गया ना भाई साहब, पेपर जोन समझ जी, मैथ के क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे हवा में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17, किसी नगर की 4 वर्ष की या उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रम से 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 100 से 120, मैं 120% वृद्धि 5 को 6 लिखता हूँ, क्योंकि 100 को 5 लिख देंगे, 120 को 6, 20 से कट करने के बाद 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 5 से 6 लिखेंगे, कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो जाएगी, फिर 20% की कमी 100 से 80, 100 को 5 लिखेंगे, 20 से कट करके 80 को 4 लिखेंगे,
फिर 20% की कमी, फिर 5 पे 4 लिखेंगे। चलो जी कैलकुलेशन देखो, 5 × 5 = 25, 5 × 125 = 625, 6 × 24, 6 × 24, 24 = 576 होते हैं 24 का स्क्वायर। अब क्या कहा जी, 4 वर्षों में जनसंख्या के निवल परिवर्तन का प्रतिशत, बच्चों 625 से 576 हुआ, कितने कम हुआ, 49 कम हुआ, कितने पे, 625 पे गुना 100, जब इसे यहाँ से आप कट करोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा बच्चों, माइनस 7 के लगभग आएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 25 × 175 = 25.8 के लगभग ही आएगा कमी। क्वेश्चन नंबर 18, 5% की दर से बढ़ रही है यदि वर्तमान 16 है 4 वर्ष बाद, 5 है मतलब 20 से 21, फिर 20 से 21 डायरेक्ट करना सीखो ना, 20 से 21, 20 20 20, ये आपके हो गए 8000, 8 का मतलब 2 गुना है, 2 गुना मतलब 20, 2 गुना मतलब 20। अब आपको इतना पता होना चाहिए, देखो बच्चों कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो, जैसे 11 11 11 की गुना पता होना चाहिए, 21 21 21 की गुना पता होनी चाहिए, 21 21 21 की गुना कितनी होगी बच्चों, ये जब आप गुना करोगे ये हो जाएगी 194481, ठीक है जी। ये कितना गुना है आपका 8000 का, ये कितना गुना होगा, 8000 नहीं 80000 आएगा, 20 20 की कितना होगा, 20 गुना 20 कितना होते बच्चों, 400 4 × 8 8 × 16, ये 16 होगा, सॉरी 3 4 बार है ना, 16 के सामने 4 जीरो लगा दो बस, 16 बराबर 16, 1 गुना है जी, तो 1 की गुना 194481 में कर देना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 194481, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी शहर की जनसंख्या 7000 है, उसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20%, 10% मतलब 10 से 11, 20% मतलब 5 से 6, 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, ठीक है जी। क्या कहा है फिर इसमें भाई क्वेश्चन में आपको, देखो बस गुना भाग है, यदि शहर की जनसंख्या 7000 है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 50 = 7000 है, 0 से 0 कैंसिल, 7000 = 70000, 0 0 कैंसिल, 7000 को जब 5 से आप भाग करोगे कितना आएगा, गुना 1400। अब 1400 की गुना डायरेक्ट इसमें करो ना, 166 में डायरेक्ट राइट आंसर आएगा आपका 1400 × 11 = 66, 92400 कितना आता है बच्चों, 92400, यही आपका राइट आंसर होगा, इसे यूनिट मेथड से कैलकुलेशन करना बोलते हैं बच्चों, 92400 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, चलो जी मेल में क्या कह रहे हैं, मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है बच्चों, मैन चलाते हैं एक बार, मेल की जनसंख्या 8%, फीमेल की जनसंख्या कितनी थी 12%, चलो कुल इंक्रीमेंट देखो 8000 से 8680, कुल कितनी बढ़ रही बच्चों, 680 बढ़ी सर, कितने पर, 8000 पर, गुना 100, पहले कुल इंक्रीमेंट निकाल दो ना कितनी वृद्धि हुई बच्चों, जब 680 की गुना आप 100 में करोगे ये कितना हो जाएगा 68000 को 8000 से जब भाग करोगे ना आप, ये आ जाएगा आपका 8.5, कितना आएगा 8.5, इसका मतलब मिडिल में 8.5 लिखेंगे, देखिएगा 8.5, अब इसको घटाएंगे ये आपका 0.5 आया, अब 12 में से 8.5 घटाओगे, 12 में से 9 घटा दो बचे 3, ये 3.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट हटा के 1:7 आया, 7 × 1 = 8, 8 रेशो बराबर 8000 है, 8 रेशो बराबर 8000, 1 रेशो बराबर 1000 आएगा, महिला पूछी, महिला का अनुपात 1000 जी, 1 × 1000 में कर देना, 1000 ही आपका राइट आंसर होगा, पुरुष की पूछता 1000 × 7 में कर देता, 7000 आपका राइट आंसर होता। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, बच्चों अब एक बार बताओ कुल हमारा 100% के नियम पर मैथ सोल्व करते हैं विदाउट फॉर्मूला, बिल्कुल करते हैं, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक तो कर लो आप, 100 में से 62 घटाओ, जब सर 100 में से आप 62 घटाओगे कितने बचे आपके 38, ये 38% का मान दिया है या क्या दिया है, दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक शहर की 62% संख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोग 24567 है, इसका मतलब ये जो 62 शिक्षित है तो 38 अशिक्षित होंगे, 38% का मान दिया है इसमें क्वेश्चन में मुझे 24567,
बस ये तुम्हें निकालना सिखाया बच्चों, यही हमें सीखना है। यदि आप कैलकुलेशन सुपर फास्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना चाहते हो, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 38% बराबर 24567, तो 1 बराबर 24567 बटे 38 गुणा 100, ठीक है जी। दो बिंदी का मतलब दो जीरो मान लेना। जब 24567 को आप 38 से भाग करोगे, आपका कितना आएगा, लगभग कट करने के बाद 646.5 आएगा, गुना 100 में जब करोगे, इसकी गुना जब 100 में करोगे तो कितना जाएगा बच्चों आपका, 64650 राइट होगा, 64650 ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे आसान नहीं कुछ भी हो सकती बच्चों कैलकुलेशन। आगे बढ़े, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक आपका फर्स्ट है जी, हैंड लिखते हैं, चलो देखते हैं, फर्स्ट अनुपात सेकेंड, एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिलोगे, 60, खाना में जवाब दो, फुल 100 हो, मत प्राप्त होते हैं, उसे 4200 मतों से बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। इसका डिफरेंस देखो कितना, यहाँ 20% की डिफरेंस से हार जीत हो रही, 20% का मान है कितना, 2400, तो 20 से 100 तक जाने के लिए गुना 5 करेंगे, तो जी गुना 5 यहाँ कर दो, कुल वोटों की संख्या निकल जाएगी 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 10000, 5 चौक 20 2001, 10000 और 2000 कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो 2400 की गुना मुझे 5 में करनी, ये हो जाएंगे आपके 12000, यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हारने वाले को पूछता तो क्या करते बच्चों, 20 बराबर इतने हैं, बस वो तो हारने वाले को दे रखे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु पर बिक्री कर 10% घटा दी, बट बच्चों 10% प्रॉफिट, 10% लॉस होता है तो हमेशा माइनस 1 की क्या होगी, कमी, 1% की कमी। यदि 20 होता तो क्या होता बच्चों, देखो ये 10 ऐसे इसलिए होता है, 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, 0 0 एक बचता है, 20 में क्या होगा, 20 दूनी 40 4 की हो जाएगी, 30 में क्या होगा, 3 3 9 9 की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, 100 रुपये की वस्तु को की कीमत पहले 10% बढ़ा दी बच्चों, 100 का सामान था 10 बढ़ाकर 110 कर दी, फिर क्या कह रहे, 10 तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी, 110 का 10 कितना होता है, 11, इसमें 11 और जोड़ दो, 110 और 11 कितने होते हैं, 121, पूछा गया था अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये है, 100 से 121 हुआ, 21 रुपये जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25, चीनी के दाम में 10% गिरावट आई, 100 था 90 हुआ, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी राजधानी से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, चलो देखते हैं, 18 क्विंटल, पहले बच्चों क्या था, 100 रुपये में 10 से 90 हुआ, मतलब 100 से 90 हुआ, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाती थी बच्चों, वहाँ पर है ना क्या था आपका, 18 खरीदी जाती थी 100 में, ठीक है, ठीक है जी, 18 खरीदी जाती थी, 18 पंजे 90, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, अब कितनी खरीदी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि बच्चों कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं लगे हो, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो, हवा हवाई में आपको कैलकुलेशन लगी हो, प्लीज़ कृपया करके एक बार शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार कैलकुलेशन और पैटर्न समझ लो कि हम क्वेश्चन सोल्व कैसे कर रहे हैं और लॉजिक क्या लगा रहे हैं, प्लीज़ इतना आप कर सकते हो। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कैलकुलेशन और गुना और भाग करने के, तो गारंटी मैं लेता हूँ आपका पेन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैथ में मैंने नहीं रुकने देने का, चाहे आपका एग्जाम रेलवे का NTPC हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, RRBJEE हो, CISF का आपका कॉन्स्टेबल हो, SI हो, यहाँ तक कि UP पुलिस का दरोगा वाला भी एग्जाम हो, पेन नहीं रुक सकता जी आपका, लेकिन आपको उसके लिए कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करना सीखना होगा। ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।